Hello friends, how are you all? Today we'll start a new topic of chapter 4th, that is the basics of classification. You should know that animal kingdom is the largest kingdom than compared to other kingdoms. Okay, it includes different kinds of animals that survive in different regions along with their natural habitats. Okay, some animals survive in polar regions, some animals survive in terrestrial regions, some animals survive in marine water and some animals survive in fresh water. Okay, these animals differ from each other on the basis of some fundamental features like symmetry, presence of symmetry, okay, presence of body cavity, presence of skin layer, etc. Okay, these fundamental features provide help to differentiate one animal from other animals. Today in this class we will study about fundamental features, and our first topic is symmetry. You know very well each animal has a fixed body shape. Okay, symmetry means geometrical arrangement of body part of an animal. Okay, जैसे बताऊं आपको मैं, इन केस ऑफ एनिमल्स, जैसे हमारी एक आईज यहां पर है तो दूसरी आईज यहां पर है, ठीक है, एक ईयर यहां पर है, दूसरा ईयर यहां पर है. तो सिमेट्री मीन्स क्या है बेटा? द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन एन एनिमल्स बॉडी. ओके, अब क्या होता है, ऑन द बेस ऑफ सिमेट्री वी कैन इजिली डिफ्रेंशिएट वन एनिमल फ्रॉम अदर एनिमल्स. ठीक है, कि भाई उसकी बॉडी को अगर हम कट करना चाहें, ठीक है, तो उसकी बॉडी किस तरह कट हो सकती है, इंटू टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो अब क्या होता है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सिमेट्री. फर्स्ट, रेडियल सिमेट्री. इफ एनी plane passes through central axis, if any plane passes through central axis, then animal body divides into two parts. ठीक है, कि अगर हम कहीं से भी ना, एनी प्लेन पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, या तो ये सीधा या फिर यहां से, ठीक है, या फिर इस तरफ से, मतलब कहीं से भी कट करते हैं तो एनिमल्स की बॉडी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है. ठीक है, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री. ठीक है, अब आपको जानना है कि वो कौन से एनिमल्स हैं, ठीक है, जो शो करते हैं रेडियल सिमेट्री. ठीक है, तो बेटा बताया था आपको मैंने कि जो एनिमल किंगडम है इट इंक्लूड्स 11 फाइलम्स. ठीक है, फर्स्ट क्या था, पोरीफेरा था. ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, प्लेटीएलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा. ठीक है, तो ये दो फाइलम्स हैं कि जिनके अंदर जो एनिमल्स आते हैं दे शो रेडियल सिमेट्री. तीन फाइलम्स हैं. ठीक है, फर्स्ट है बेटा सिलेंट्रेट्स. आपको पता है कि सिलेंट्रेट्स के अंदर एक मल्टी सेलुलर एक्वाटिक एनिमल्स आता है, दैट इज हाइड्रा. ओके, दूसरा है टीनोफोरा. ठीक है, और तीसरा है बेटा इकाई नोडर मेटा, जिसके अंदर स्टार फिश आती है. ठीक है,
तो ये जो फाइलम्स हैं इनके एनिमल्स दे शो रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब आप जानें कि रेडियल सिमेट्री में किस तरह कट होती है एनिमल्स की बॉडी। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं हाइड्रा का, ठीक है। अब जैसे आपको मैं एक डायग्राम समझाऊं,
कल तो अभी जाना कि बैलेंस सिमेट्री कौन शो कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस सिमेट्री प्लेटी हेलमेंट थीस से लेकर बेटा जितने भी एनिमल्स बिलोंग करते हैं कोडेटा फाइलम से, ठीक है, दे ऑल शो बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, ये कोई भी एनिमल बना, ठीक है। अब क्या होता है इन केस ऑफ बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, पता है ना आपको मैंने कि सिंगल प्लेन, ओके, सिंगल प्लेन पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस, देन द बॉडी ऑफ एनिमल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, जैसे अब ये सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, और इस सेंट्रल एक्सिस से एक सिंगल प्लेन पास कर रहे हैं, ठीक है, तब इसकी बॉडी डिवाइड होगी टू इक्वल पार्ट्स के अंदर, ओके, वन एंड टू, ठीक है, इट इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री, समझ रहे हैं आप उस चीज को, ठीक है। तीसरा टाइप बेटा, टाइप तो बेटा से काफी होते हैं, ठीक है, लेकिन आप दो चार को समझे मेनली, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है, इन केस ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री क्या होगा बेटा, जैसे एग है और अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो स्टेज, दे शो स्फेरिकल सिमेट्री और यूनिवर्सल सिमेट्री, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, कि जैसे एग है और जो अर्ली एम्ब्रियो होता है, ठीक है, इट हैज स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी बॉडी शेप कैसे होती है, राउंड होती है, ठीक है, तो इसके अंदर बेटा ये होता है कि इफ एनी प्लेन पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस देन द बॉडी ऑफ एग एंड अर्ली एम्ब्रियो डिवाइड्स इनटू इक्वल हाफ्स और पार्ट्स, ठीक है, समझे आप इस चीज को, इस पहले ही देख लें कि स्फेरिकल सिमेट्री और यूनिवर्सल सिमेट्री कौन शो कर रहा है, एग और अर्ली एम्ब्रियो, बता रहे आपको जैसे इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है बेटा, राउंड शेप होती है, ठीक है, दिस इज सेंट्रल एक्सिस एंड आई हैव टोल्ड यू इफ एनी प्लेन पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस देन इट्स बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, यहां से हम कट करेंगे तो भी टू इक्वल पार्ट्स के अंदर, ठीक है, एक दिन रुके, यहां से कट कर रहे हैं तो भी टू इक्वल पार्ट्स के अंदर, और बीच में से कट करते हैं तो भी दो इक्वल पार्ट्स के अंदर, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। अब लास्ट जो है बेटा, लास्ट जो टाइप है सिमेट्री का, ठीक है, वो होता था एसिमेट्री, ठीक है, एसिमेट्री स्पंज बिलोंग टू ए फाइलम दैट इज पोरीफेरा, ठीक है। अब स्पंज की बेटा जो स्ट्रक्चर है बॉडी की, ठीक है, इस तरह की होती है,
ओके तो क्या बता दो स्पंज है इट शो एसिमेट्री इट मींस व्हेन वी पास एनी प्लेन थ्रू सेंट्रल एक्सिस देन इट्स बॉडी डज नॉट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट स्पंज शो एसिमेट्री समझ रहे हो आप इसको जैसे आप कहीं से भी कट करना चाहेंगे ना जैसे यहां से आपने प्लेन पास कर दिया ठीक है थ्रू सेंट्रल एक्सिस तो अब क्या पता इसकी बॉडी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकती है समझ रहे आप इस चीज को ये है लेकिन इसके अंदर मेरा एक एक्सेप्शन है ठीक है जो स्पंज है ना स्पंज बिलोंग करता है पोरीफेरा से ठीक है लेकिन पता रखा है कि सम स्पंज हैव वैस-लाइक और सिलेंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है कि जिनकी वैस-लाइक और सिलेंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर होती है दे शो रेडियल सिमेट्री ठीक है ये भी आपको समझ रहे हैं अच्छा एक बात आपको तो ध्यान देनी है मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के अंदर कि जैसे सिलेंड्रेट्स और टीनोफोरा और इकाइनोड्रोमेटा दे शो रेडियल सिमेट्री ठीक है लेकिन आपको ध्यान देना है बेटा जो इकाइनोड्रोमेट होता है ना इकाइनोड्रोमेट के अंदर जो एडल्ट इकाइनोड्रोमेट्स होते हैं ठीक है वो तो बेटा शो करते हैं रेडियल सिमेट्री ठीक है और जो लार्वा स्टेज होती है लार्वा लार्वा स्टेज किसकी बेटा इकाई नोडल मेल्स की ठीक है वो क्या शो करते हैं दे शो बाइलेटरल सिमेट्री ओके तो आप इसको ये भी ध्यान रखना है बेटा ठीक है ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो इकाइनोड्रल मेल्स होते हैं एडल्ट स्टेज में वो शो करता है बेटा रेडियल सिमेट्री ठीक है और जो लार्वा स्टेज होती है उसमें क्या शो करता है बेटा बाइलेटरल सिमेट्री ठीक है अब लार्वा स्टेज क्या होती है आपको पता है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं दे रिलीज एग ठीक है अब क्या होगा एग इज हैच्ड ठीक है हैच होता है एग ठीक है फिर क्या होता है बेटा उसमें से सीधा यंग वन बाहर ना निकलकर ठीक है उस एग से क्या बाहर निकलता है लार्वा बाहर निकलता है ठीक है अर्ली स्टेज ऑफ यंग वन ठीक है लार्वा बाहर निकलता है देन आफ्टर सम टाइम लार्वा डेवलप्स इनटू एडल्ट समझ रहे हैं आप इस चीज को ठीक है तो जो लार्वा स्टेज होती है एक मेट्स एनिमल्स की ठीक है वो क्या शो करती है बायलैटरल सिमेट्री ठीक है तो ये सिमेट्री का टॉपिक है बड़ा हमारा अब सेकंड टॉपिक है अपना स्किन लेयर स्किन लेयर और जर्म लेयर ऑन द बेसिस ऑफ स्किन लेयर और जर्म लेयर दे आर टू काइंड्स ऑफ एनिमल्स डिप्लो ब्लास्टिक एंड ट्रिप्लो ब्लास्टिक ठीक है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्किन लेयर एक्टोडर्म सेकेंड मीजोडर्म थर्ड एंडोडर्म ओके तो क्या बता समझे कि जो तीन स्किन लेयर बताई आपको मैंने ठीक है एक्टोडर्म एक्सटर्नल लेयर मीजोडर्म मिडिल लेयर एंडोडर्म इनर स्किन लेयर ओके इफ These three skin layer occurs in animals. Okay, then these animals will be known as triploblastic. Okay, जो तीन skin layer रख रहे हैं समझ रहे हैं आप इस चीज को ठीक है इसके अलावा जो दो skin layer रख रहे हैं ठीक है ectoderm और endoderm ठीक है वो किस में आएंगे बेटा diploblastic के अंदर आते हैं ठीक है समझ रहे हैं आप इस चीज को अब इसमें क्या है अब आपको जानना है कि सर डिप्लोब्लास्टिक कौन है और डिप्लोब्लास्टिक कौन से एनिमल्स है ठीक है सिंपल है ठीक है कि जो पोरीफेरा के अंदर आते हैं स्पंज ठीक है उनको रखा नहीं गया है लेकिन बेटा वो भी क्या है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ठीक है समझ रहे हैं बाकी मेन जो आपको ध्यान देना है वो सिलेंड्रेट्स के ऊपर ठीक है और
टिनोफोरा, जो इस फाइलम के एनिमल्स होते हैं बेटा, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बिकॉज दे हैव टू स्किन लेयर इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाकी प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर कोडेटा तक, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज हो गया, एस्केलमिंथीज हो गया, एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, ठीक है, इकाइनोड्रोमेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, ठीक है, जितने भी ये फाइलम्स हैं, इनके अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं, दे हैव थ्री स्किन लेयर्स, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। अब आपको जानना है कि सर ये थ्री स्किन लेयर्स कैसे बनती है, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, इन केस ऑफ ह्यूमंस, द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड जायगोट, एंड आई हैव टोल्ड यू जायगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल, ठीक है, जैसे मेल सेक्स सेल तो बोल सकते हैं आपको मैंने स्पर्म, और फीमेल सेक्स सेल ओवम, ठीक है, जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बनता है, जायगोट बनता है, ओके। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट one process takes place that is called cell division, okay, and during cell division one parental cell divides and form many cells, okay, the group of many cells form a ball like structure that is called morula, the group of 16 to 32 cells, ठीक है, जो एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बनती है बेटा, इट इज कॉल्ड मोरुला, द फॉर्मेशन ऑफ मोरुला इट इज कॉल्ड मोरुलेशन, ठीक है, और कब किससे बनता है बेटा, जायगोट से, ठीक है। मोरुला बनने के बाद वन अनोदर प्रोसेस टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड ब्लास्ट्रुलेशन, क्लियर, एंड ड्यूरिंग ब्लास्ट्रुलेशन ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म, ठीक है, मोरला से बेटा ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से बनता है ब्लास्टोसिस्ट, लेकिन आप नॉर्मली समझे पढ़ लेंगे बड़ी क्लासों के अंदर, ठीक है, कि मोरला से ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, ठीक है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ब्लास्टुलेशन, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रोपोप्लास्ट लेयर कहलाती है, इनर सेल मास की जो सेल्स होती है ब्लास्टोमियर्स वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, फिर क्या है, ब्लास्टोसिस्ट से ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो एक ग्रुप ऑफ सेल बनता है उसको मैं नाम दूंगा गैस्ट्रुला, क्या नाम दूंगा बेटा, गैस्ट्रुला, तो आप समझे पहले क्या हुआ था, मोरुला बना था बाय द हेल्प ऑफ जायगोट, बाय द नाम बेनस प्रोसेस था मोरुलेशन, फिर उसके बाद क्या चला था, ब्लास्टुलेशन, ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म, फिर क्या चला था, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, एंड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट इनटू गैस्ट्रुला, अब आप समझे जो आपको समझ रहे हैं मेन, ठीक है, कि जब गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन हो जाती है देन थ्री स्किन लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, ठीक है, और तीन स्किन लेयर कौन सी थी आपको, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, अब आप समझे डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक का, ठीक है, बता चुका हूं अभी आपको मैं, डिप्लोब्लास्टिक कंसिस्ट ओनली टू स्किन लेयर, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है, और इन सॉरी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, मीजोडर्म एब्सेंट होती है, ठीक है, इनकेस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जैसे इट इज एक्टोडर्म
एप्लीकेट द एंडोडर्म, ठीक है। ये किस केस में है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के केस में, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म है और एंडोडर्म, ठीक है। इनके बीच में एक लेयर होती है, ठीक है। इट इज कॉल्ड मेसोगैलिया लेयर, ठीक है। जो मेसोगैलिया लेयर है, इट इज अन डिफरेंशिएट लेयर और एक जेल लाइक लेयर होती है, ठीक है। इसी केस में बेटा डिप्लोब्लास्टिक केस में, आपकी बुक में एनसीईआरटी में डायग्राम जो यहां पर रहता है ना बेटा इस तरह का, तो उससे भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो भी क्या इंडिकेट करना चाह रहा है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को, ठीक है। जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं दे हैव टू स्किन लेयर्स। अब ये तो ये वाली क्या कहलाएगी? एंडोडर्म, ठीक है। दिस वन इज नोन एज, बताया मैंने जस्ट आपको, मैंने मीजो मीजोगैलिया, और ये अगला ये सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन आप समझे जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं दे हैव टू स्किन लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और इनके बीच में जो एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जेल लाइक लेयर, वो कौन सी बेटा? मेसोगैलिया, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थ्री स्किन लेयर्स अकर्स, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। और तीन स्किन लेयर कौन से बताएंगे? एक्टो मेसो और एंडो, ठीक है। ये बार-बार इससे बता रहा हूं आपको कि आपको एक तरह से लर्न हो जाए, ठीक है। पढ़ते समय मतलब लर्न हो जाए चीजें, ठीक है। एक्टोडर्म एक्टो मीन्स आउट आउटर एंड डर्म मीन्स स्किन, डर्म लगने आता है ना, मिडिल लेयर मेसोडर्म एंड एट लास्ट एंडोडर्म, ओके। दीज थ्री स्किन लेयर अकर्स इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। इसको आप यहां से इस डायग्राम से भी समझ लें। एक्टोडर्म इस तरह का डायग्राम आपको बड़ा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बताया ना कि आपको मैं जस्ट जिनके अंदर बॉडी कैविटी और सिलोम प्रेजेंट होती है बेटा,
ठीक है, वो सिलोमेट्स कहलाते हैं, ठीक है, और जिनके अंदर नहीं होती वो एसिलोमेट्स कहलाते हैं, ठीक है, और जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है वो स्यूडोसिलोमेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टडी हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।